हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से द क्रिएटिव नर्सिंग एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं सिक्स सीआईबी की मीटिंग में जो है 80/20 को लेकर क्या जो है वो हुआ है, और एम्स जो जोधपुर है उसकी वैकेंसी के बारे में बात करेंगे कि क्या सीआईबी की मीटिंग में निर्णय हुआ है उसके बारे में, और इन्फॉर्मेशन जो है वो सोर्सेज के आधार पर है। तो अभी 8 जनवरी 2023 को सेंट्रल इंस्टीट्यूशन बॉडी यानी कि सीआईबी की मीटिंग जो है वो फॉलो अप हुई थी, सिक्स्थ मीटिंग थी, और आपको ध्यान होगा कि इसी सीआईबी ने 80/20 भी लागू किया था। और तो यहाँ पर हम देखते हैं क्या इसकी मीटिंग में बाहर आया है। चलिए शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। बात करें पहली इंपॉर्टेंट चीज़ की जो कि है एम्स जोधपुर में वैकेंसी को लेकर के, तो एम्स जोधपुर में वैकेंसी फिर आएगी, यानी कि एम्स जोधपुर के अंदर नर्सिंग ऑफिसर की सीट्स खाली है और उनको जल्द से जल्द भरा जाएगा। कितना जल्द से जल्द, तो ऐसा तो कोई निश्चित टाइम पीरियड नहीं है, लेकिन मैक्स टू मैक्स नॉर्सेट में ही अब तो भर सकता है, जो नॉर्सेट 2023 होगा उसी के अंदर जो है एम्स जोधपुर की सीटें भरी जा सकेगी, या फिर उससे पहले, लेकिन नॉर्सेट में ही एम्स के सारे एग्जाम होते हैं, तो ऐसा होपफुल है कि नॉर्सेट में ही एम्स जोधपुर की वैकेंसी आएगी, उससे पहले भी आ सकती है। सीआईबी की मीटिंग्स में एम्स नर्सिंग ऑफिसर्स की 1300 सीट की जगह बढ़ा करके 1800 सीट कर दी गई है। जो एम्स के अंदर नर्सिंग ऑफिसर की सीट्स है 1300 से बढ़ाकर 1800 कर दी गई, यानी 500 सीट्स प्लस कर दी गई है, तो फ़ायदा ही है कहीं ना कहीं। ज़्यादा वैकेंसीज आने की संभावनाएं नॉर्सेट 2023 में रहेगी, ये भी एक अच्छी बात है। आगे देखें तो 80/20 अभी हटा नहीं है, ठीक है। 80/20 जो है वो जिसका तस बना हुआ है, 80/20 का विरोध हम लंबे समय से करते हुए आ रहे हैं, और अलग अलग प्रक्रियाएं जो हैं सुप्रीम कोर्ट में और पेंडिंग हैं, तो देखते हैं 80/20 आई होप कि हट जाए। हम सभी ऐसा ही चाहते हैं कि 80/20 हटे, ये बिल्कुल ही संविधान के भी खिलाफ़ है और कहीं ना कहीं नर्सिंग प्रोफेशन को कहीं ना कहीं पीछे खींचने वाला है। तो हम ऐसा होप करते हैं कि जल्द से जल्द 80/20 को हटाया जाए गवर्नमेंट के द्वारा, और या कहीं हमारी सुप्रीम कोर्ट को इंटरवीन करना पड़े तो भी कोई बात नहीं। 80/20 तो नहीं हटा है, दुख की बात है। और ट्रांसफर पॉलिसी जो है वो विचाराधीन रहेगी, मतलब जो ट्रांसफर्स है एम्स टू एम्स, ठीक है, मान लो आप एम्स दिल्ली में काम करते हैं, आपको एम्स जोधपुर जाना है, तो ट्रांसफ़र की जो पॉलिसी है वो अभी फाइनल नहीं की गई है। आने वाले समय में ट्रांसफ़र पॉलिसी भी हो सकती है, यानी कि एक एम्स से दूसरे एम्स आप जा पाएंगे, वो भी एक अच्छी बात है, और ये जो सूचना है वो सोर्स के आधार पर है, ठीक है। तो यही आपके लिए इंपॉर्टेंट वीडियो थी। लाइक द वीडियो, शेयर विद फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।